अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हर्बल मेहंदी घर पे। बहुत ही आसान तरीका है, इजीली बन जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं ईद आ रही है, तो ईद पे तो सब लोग ही मेहंदी लगाना पसंद करते हैं। बच्चे हों, औरतें हों, जो भी हों, सारी मेहंदी लगाना पसंद करती हैं और बाजारों की तरफ रुख करती है मेहंदी ले जाने के लिए। तो अब आप बना सकते हैं घर पे मेहंदी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मेन इंग्रेडिएंट है वो ड्राई मेहंदी होती है, ये ले लेते हैं। और इधर है मेरे पास पाउडर शुगर है, मैंने इसको पीस लिया है घर में, चीनी लेके इसको पीस लिया है। ये हिना ऑयल है, बाजार से आसानी से मिल जाता है, एक चम्मच है। ये कहवा है, कहवा आप घर में बना सकते हैं। कोई भी चाय की पतीले उसमें पानी डालें, उसे अच्छे से उबालें और ये कहवा तैयार हो जाता है। और आधा नींबू का रस बिजनेस में हो। और शुरू करते हैं। सो व्यूअर्स, में हम 3 खाने के चम्मच मेहंदी डाल देते हैं। एक कॉर्न मेहंदी जो है वो 1 से 1.5 हाथ पे आसानी से लग जाएगी। तो तकरीबन मैंने इसमें तकरीबन 3 चम्मच खाने के चम्मच मेहंदी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं पाउडर शुगर है जो मेरी, उसको 1 बड़ा और 1/2, 3 खाने के चम्मच होंगे तो उसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच चीनी जाएगी। ये 1 खाने का चम्मच ऑयल है, हिना ऑयल बाजार से आसानी से मिल जाता है, इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर एक चम्मच मैं नींबू का रस डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत इजी मेथड है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ कहवा। कहवा बहुत अच्छा कलर देता है। फिलहाल मैंने 3 चम्मच डाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता जितना आपको गाढ़ा लेप चाहिए उतना ही आप इसमें कहवा ऐड करेंगे। अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स करना है और जो है सारा का सारा एकदम से ऐड नहीं करना। हमें थोड़ी सी पतली चाहिए लिक्विड, क्योंकि जब हम इसके अंदर मेहंदी के अंदर डालते हैं तो मेहंदी नहीं निकलेगी। सो व्यूअर, ये काफ़ी पतला हो गया है जितना हमें चाहिए कि आसानी से जो हम इसके अंदर कॉर्न के अंदर मेहंदी डालेंगे तो इसमें से आसानी से निकल जाए। मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली ना बने, नहीं तो वो मेहंदी सारी ख़राब करेगी और जो है मेहंदी अच्छे से निकलेगी भी नहीं और बार बार अटकने की प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से आपको अच्छे से मिक्स करना है। हाँ व्यूअर्स, अगर आपके पास कैस्टर ऑयल ना हो तो आप सरसों का ऑयल भी इसके अंदर डाल सकते हैं। हिना मेहंदी ऑयल जो है वो बाजार से बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान पे जाएं उनसे ले लें। व्यूअर्स, ये हर्बल मेहंदी है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं केमिकल जो है वो हमारी स्किन पे इन्फेक्शन करते हैं, तो इसके अंदर मैं कोई भी केमिकल तो यूज़ नहीं करी। मगर जब मेहंदी लगाने के बाद उसको आपको सुखाना पड़ेगा तो इसका अच्छा कलर आएगा, ये तो इसका अच्छा कलर नहीं आएगा। जैसे कि बाजार इमरजेंसी मेहंदी होती हैं उसके अंदर लगाए फौरन से कलर आ जाता है, ये नहीं। तो जैसे कि अभी इसको हल्का सा मिक्स करते रहेंगे, इसको साइड पर कर देते हैं। तो इधर है मेरे पास टेप है, सीजर है, एक शॉपर है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कॉर्न बनाने के लिए कोई भी आप ले सकते हैं, मोमी कागज़ वगैरह। तो कॉर्न बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, आप जानते होंगे बचपन में आप बनाते रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे पकड़ लें और ऐसे रोल करते जाएंगे तो वो कॉर्न बनती जाएगी। बहुत इजी मेथड है। याद रखें आगे से जो आप निब बन रही है वो ज़्यादा बारीक होनी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कॉर्न जो है वो बनती जा रही है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप जब कॉर्न बना रहे हो तो इसके अंदर सुई डाल दीजिए जो आम बाजार से मार्केट से मिल जाती है, अगर आप देख रहे हो तो। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने कॉर्न्स बना लिए हैं। इसके अंदर पिन जो होना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका जो फासला है वो मेहंदी निकलने के लिए बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं।
सो व्यूअर्स, जैसे कि मेहंदी जो है वो पाउडरी मेहंदी होती है, जो खुश्क मेहंदी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा ना इसके अंदर दानेदार चीज़ होती है, इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसका सारा जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। उसको आधी रात के लिए, मतलब 12 घंटों के लिए इसको हम रख देंगे ताकि ये जो अच्छे तरीके से इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए और अपना अच्छा टेक्सचर जाए। तो अब ये जब हम इसको देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। सो अब मैं इसको उसके ऊपर कवर करके इसको रख देती हूँ, एयर टाइट कर देते हैं इसको हम। ये देखे व्यूवर्स, इसको शॉपर के अंदर मैंने डाल दिया है और इसके ऊपर ऐसे मैंने कर दिया ताकि ये बहुत ज़्यादा इसमें हवा ना जाए। इस तरह कर देंगे, इसके ऊपर हम एक हैवी चीज़ रख देंगे लॉक, बहुत ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल। इससे ये होगा कि हमारी मेहंदी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। इसको हम 12 घंटों के लिए रख देते हैं। इसको हम गर्म जगह पे रखेंगे, ठंडी जगह पे नहीं रखेंगे। जैसे हमारा रूम टेम्परेचर हो गया, इसके जैसे किचन में रख दें जहाँ काफ़ी ज़्यादा हीट रहती है, मगर इसको बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, बस इसको रूम टेम्परेचर पे रख दें। सर व्यूअर, आप देख सकते हैं 12 घंटे हो गए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सख्त भी हो गई है और काफ़ी ज़्यादा पहले से स्मूथ भी लग रही है। तो इसके अंदर में थोड़ा सा और कहवा जो है वो इसके लिए डाल देंगे ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। ये देखो कितनी ज्यादा स्मूथ लग रही है, ये देखें बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है। कलर भी इसने काफ़ी अच्छा निकाल लिया अपना, कहवा जो है वो बहुत अच्छा कलर देता है मेहंदी को जब हम हाथों पे लगाते हैं। तो आप देखें ये हो गया। सो व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं नायलॉन के कपड़े में से हम निकाल लेते हैं, तो कोई भी चीज़ ले लें, कोई कपड़ा ले लें, चाहे कोई सॉक्स ले लें। तो सबसे पहले मैंने शॉपर ले लिया है, उसको ऐसे निकाल लेंगे इसके अंदर, और फिर इसके अंदर मैं सॉक्स रख दूँगी या कोई भी कपड़ा जो आप यूज़ कर रहे हो। अब मैं इसके अंदर मेहंदी निकाल देती हूँ। इस सब का फ़ायदा ये है व्यूअर्स के जब आप मेहंदी लगाएंगे तो ये बार बार अटकेगी नहीं, इसके सारे जो है क्लॉथ से सारा निकल जाएंगे और जो सारे लम्स हैं वो भी निकल जाएंगे। जैसे कि मैंने डाली है, अब मैं इसको शॉपर में निकाल लेती हूँ ऐसे। अब मैं इसको खींचूंगी तो ये निकलती जाएगी ऐसे। ये सारी मेहंदी हमारी जो है नीचे साफ वाली निकल रही है, ये देखिए। सो भी भाई ये देखें, ये सारी मेहंदी मैंने निकाल ली है, ऊपर गांठ लगा देते हैं हम। सो भी भाई ये तैयार होगी, इसको पीछे मैंने गांठ लगा ली है। अब मैं इसके अंदर कॉर्न के अंदर इसको फिल करूंगी। आगे मैंने इसके ऊपर निब लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो चलें इसके ऊपर भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं छोटा सा कट लगा लेती हूँ। सो अभी भाई ये देखें, थोड़ा सा आगे से कट लगा लेंगे ताकि मेहंदी आसानी से इसके अंदर चली जाए कॉर्न के। तो ये रही कॉर्न, अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बहुत आसानी से इसके अंदर जा रही है, ये देखिए अगर आप देख सकें तो। ऊपर से थोड़ा सा आप पकड़ें इसको और प्रेस कर दें तो ये नीचे जाने लगेगी। तो दिखाती हूँ, ये देखिए अगर आप देखें तो ये नीचे जा रही है, ये देखिए ऐसे। सभी वर्ग ये देखें, कौन जो है मेरी भर चुकी है। अब मैं इसको आपको बंद करने का तरीका बताती हूँ। तो पहले हम इसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से मेहंदी को नीचे कर लेंगे ताकि हमारी जो मेहंदी है वो टाइट रहे, टाइट रहेगी तो हमारी मेहंदी भी अच्छी तरीके से निकलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक टेप लगा देती हूँ। टेप लगाने में ज़रा सी भी कंजूसी ना करें,
सो व्यूअर, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी मेहंदी बनके तैयार हो गई है। तो मैंने इसकी पिन निकाल दी है, अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। सो व्यूअर, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ मेहंदी असरदार है भी या नहीं, ये देखिए।